कोरोना महामारी के बीच पहली बार झांसी की मोट में तहसील में जिला अधिकारी के अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें झांसी पुलिस के कप्तान दिनेश कुमार भी मौजूद रहे। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक गरौठा जवाहरलाल राजपूत भी बतौर मुख्य अतिथि तहसील दिवस में पहुंचे। इस दौरान किसी ने केसीसी बनाए जाने को लेकर बैंक पर हिला हवाली का आरोप लगाया है, तो किसी ने जबरन रजिस्ट्री करा दिए जाने की शिकायत की है। किसी के आवासों में हो रहे धांधली को लेकर जिलाधिकारी के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तो किसी ने मेड़बंदी को लेकर उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। डीएम ने अधिकतर मामलों पर मौके पर ही निस्तारण कराया। इस दौरान जिलाधिकारी आंद्रा बामसी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि किसी भी हाल में जिले के पराली नहीं जलाई जाएगी, यदि ऐसा हुआ तो उन्हें मजबूरन कार्रवाई करनी होगी। इस संबंध में मुझे ये कहना जरूरी है कि जनपद झांसी में अभी तक 9 प्रकरण संज्ञान में आए थे, मुख्य रूप से ये टहरौली और मोट तहसील से जुड़े हैं। इसमें सभी किसानों से अनुरोध ये है कि सैटेलाइट के माध्यम से जहाँ पे भी कुछ भी जलन होता है, शायद वो पराली का भी हो या कूड़े का भी हो या किसी और साधन का भी हो, वो तत्काल सैटेलाइट इमेज कैप्चर कर देगी और हमें सक्षम कार्रवाई करने के लिए ऊपर से आदेशित किया जा रहा है। समस्त किसान बंधुओं से अनुरोध ये है कि जो धान कटान होने के बाद जो पराली जो जलाते हैं उसको कृपया ना करें, वरना ये FIR दर्ज करना, उसके बाद संपत्ति कुर्क करना, ये सारी सक्षम कार्रवाई भी करना बाकी है। झांसी के मौरानीपुर पुलिस ने मुठभेड़ में 7 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। बदमाशों के कब्जे से 7 तमंचे, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद में एक पशु व्यापारी को लूटने मध्य प्रदेश से आए थे। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी, गुरसराय रोड पर पुलिया के पास 7 बदमाश पशु व्यापारी से 13 लाख रुपए लूटने के फिराक में थे। पुलिस पहुंची तो बदमाशों ने 2 फायर किए, पुलिस ने भी फायर किया। बदमाश राहुल खटिक, मोहन खटिक, सचिन पाल, संजू यादव, सुरेंद्र रैकवार, रामजी तिवारी को गिरफ्तार किया है। वहाँ पर 6-7 लड़के खड़े थे, जिनको जब रोका गया तो उनके द्वारा फायर किया पुलिस पार्टी पर। पुलिस पार्टी द्वारा उनको घेर के जब पकड़ा गया तो उनके पास से 7 तमंचे और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस संबंध में जब गहनता से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एक पशु व्यापारी जो मध्य प्रदेश पशुओं को बेचने और ख़रीदने का काम करता है, आज उसको रास्ते में रोक के लूटने की इनकी योजना थी। इस तरीके से मौरानीपुर पुलिस द्वारा 7 लोगों को, जो कि निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ के। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।